हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ 1884 से 1899 ईस्वी तक का इतिहास, और इसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ लॉर्ड डफरिन के इतिहास के बारे में, लॉर्ड लैंसडाउन के इतिहास के बारे में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पर मैं तीन वायसराय के इतिहास को पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों या फिर उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इस वीडियो में शामिल किया है जो बहुत ही अच्छे हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, और इस वीडियो में बताई गई जो चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ से लेते हो कहाँ से लेते हो। देखिए, मैं किसी एक बुक से नहीं लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 बुकें हैं। मैं उन सब में से मटेरियल को ढूंढता हूँ, फिर लिखता हूँ, इसके बाद ही यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं 1884 से 1899 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं लॉर्ड डफरिन के इतिहास से। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888 ईस्वी तक था। तो यहाँ पर इनको याद रखें अच्छे से। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी में बर्मा के कोनबोंग राजवंश और ब्रिटिश भारत के मध्य हुआ था, जिसमें ब्रिटिश भारत की जीत हुई और बर्मा को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। तो अब कर लेते हैं इनके क्वेश्चनों पर बात। तो ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल पे ध्यान दें यहाँ पे अच्छे से, कि ये एक प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। और यहाँ पर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके बीच में हुआ था? बर्मा के राजवंश कोनबोंग और ब्रिटिश भारत के मध्य में हुआ था। अगर आप ऐसे याद ना रख सकें तो बर्मा और ब्रिटिश भारत के मध्य में हुआ था, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, बर्मा उस समय हार गया था। देखो, बर्मा का जो आधुनिक नाम है वो है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार उस समय हार गया था तो वो भारत का हिस्सा बन गया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखें। तो अब जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के बारे में मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि मैं एक स्पेशल वीडियो नहीं बनाना चाहता था कांग्रेस पर, तो इसीलिए मैंने कांग्रेस के पूरे इतिहास को इसी वीडियो में शामिल कर दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लें, तो इसीलिए मैं कांग्रेस की उन चीज़ों को मैं बताने वाला हूं जो भारतीय आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसके नेताओं का देश की आज़ादी में अहम योगदान था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को जानना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई थी, और इसके संस्थापक एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनेश बाचा को माना जाता है। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं कुछ स्पेशल बातें, जैसे कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो कि यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। बम्बई को आज क्या कहा जाता है? मुंबई। और इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें अक्सर हम लोग पढ़ते हैं ए ओ ह्यूम, और दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर तीन जो सदस्य थे, लेकिन सबसे प्रमुख थे एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसीलिए अक्सर हम सब ने पढ़ा है किताबों में केवल इन्हीं का नाम मिलता है, इसीलिए मिलता है। अब कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा। देखो, मैंने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन लिखे हैं वो केवल उन्हीं अधिवेशनों को मैंने यहाँ पर लिखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन अधिवेशनों में कुछ स्पेशल काम हुआ है और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने
उन्हीं अधिवेशनों की यहाँ पर चर्चा की है, फालतू थे मैंने वो नहीं लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कोलकाता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पर देखो प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, थोड़ा उन पर ध्यान देते हैं। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और कहाँ पे हुआ था, मुंबई में, और मुंबई में किस जगह हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, कोलकाता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने की थी। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि अक्सर जो कन्फ्यूजन होता है वो स्टूडेंट के मन में वो यही होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर AO ह्यूम। तो यहाँ पर पहले जो अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। लेकिन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, AO ह्यूम, तो इनको याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। देखो यहाँ पर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखें कि तीसरे अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1888 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तो इसको याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1896 ईस्वी को कलकत्ता में आयोजित किया गया था और कलकत्ता को आधुनिक कोलकाता कहा जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, तो इसको याद रखें यहाँ पर कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और ये कब हुआ था, आप केवल इतना याद रखें, तारीख याद रखें ना रखें, 1896 याद रखें, 1896 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला सयानी ने, और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो इसको याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1906 ईस्वी को कोलकाता में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी प्रश्न एक बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ पर, तो इस पर भी विशेष ध्यान दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1907 ईस्वी को सूरत में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर इसको भी याद रखें, देखो यहाँ पर याद तो आप सभी को रखें, क्योंकि मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ मैंने ये मटेरियल मुझे लाने में थोड़ा दिन लग जाता है, लेकिन मटेरियल मैं वही लाता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इतना देर क्यों हो जाती है वीडियो लाने में, देर इसीलिए हो जाती है कि पहले तो मटेरियल ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद फिर लिखना पड़ता है, लिखने के बाद फिर जाके आप सबके सामने उसे प्रस्तुत कर पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 29 से 30 दिसंबर 1908 ईस्वी को मद्रास में आयोजित किया गया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। देखिए आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वयं का संविधान था, उसका निर्माण किया गया था 24वें अधिवेशन में, कहाँ पे? मद्रास में। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? मद्रास में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता या कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान दें, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1911 में, आप केवल इतना याद रखें, 1911 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता को आज क्या कहा जाता है? कोलकाता, ठीक है। और उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशन नारायण धर ने। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो इसको याद रखें यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1917 ईस्वी को कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको लिखा हुआ है। इनके बारे में एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो इसीलिए इसको भी याद रखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, तो ये भी याद रखें यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। तो यहाँ पर 45वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये 45वां अधिवेशन लाहौर, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग भी की गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि 46वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में और कराची आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1937 को फैजपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और यह अधिवेशन गाँव में आयोजित किया गया था। लेकिन ये अधिवेशन जब गांव में आयोजित किया गया था तो पहला ये अधिवेशन था कि जो गांव में आयोजित किया गया था, इसीलिए मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है, तो इसको भी याद रखें अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 23 नवंबर 1946 को मेरठ में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जे बी कृपलानी के द्वारा की गई थी। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी, जिनका पूरा नाम जीवट राम भगवान दास कृपलानी था, तो इन्होंने ही की थी। लेकिन 1947 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और यह अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर इसको याद रखें, अगर आपसे कोई पूछता है कि आज़ादी के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप याद रखें जे बी कृपलानी। इनका पूरा नाम क्या था? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। तो यही थे। लेकिन एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था 1947 में जो दिल्ली में हुआ था, और उस समय उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ये भी भूले नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको भी याद रखें अच्छे से। तो देखिए अब करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के इतिहास के बारे में। तो यहां पर मैंने अभी जो चर्चा की वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करने वाला हूं इतिहास को। अभी मैंने कांग्रेस के इतिहास को बताया था, क्योंकि मैं कांग्रेस के इतिहास के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने उनका इसी में खत्म कर दिया इतिहास। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 10 दिसंबर 1888 से 11 अक्टूबर 1894 ईस्वी तक था। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इनके कार्यकाल पे, और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि द्वितीय कारखाना अधिनियम भी लागू किया गया था 1891 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। तो ये द्वितीय कारखाना जो अधिनियम आया था, तो इसकी कुछ विशेषताएं थीं, तो चलिए उन पे भी चर्चा करते हैं। नंबर एक, प्रथम कारखाना अधिनियम के द्वारा बच्चों के काम करने का समय निश्चित किया गया था। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसीलिए अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको उनमें वो मिला होगा, तो आप उनको बहुत अच्छे से देखें और या तो चैनल पर चले जाएं या फिर कुछ वीडियो इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। नंबर दो, द्वितीय कारखाना अधिनियम के द्वारा महिलाओं के काम करने का समय निश्चित किया गया था, जिसमें महिलाओं के 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखो पहले क्या होता था कि महिलाओं के काम करने या पुरुषों के काम करने या बच्चों के काम करने पर कोई लिमिट नहीं थी, 10 घंटे 15 घंटे इस तरह से करवाते थे। लेकिन द्वितीय कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम नहीं किया करवा सकते, और प्रथम जो कारखाना अधिनियम आया था उसमें बच्चों के काम करने का समय निश्चित किया गया था, ठीक है। वो द्वितीय कारखाना अधिनियम के द्वारा महिलाओं के काम करने का जो समय था वो निश्चित किया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल 1891 ईस्वी में ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू किया गया था। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है, तो चलिए इसकी भी चर्चा करते हैं। तो यहां पर यहां से इसकी चर्चा करते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 क्या था। नंबर एक, इस कानून के द्वारा यौन कार्यों के लिए उम्र सीमा में वृद्धि कर दी गई थी। नंबर दो, यह कानून विशेषकर लड़कियों के लिए था, जिसमें लड़कियों के यौन जो उम्र होता था उसकी जो आयु थी वो निश्चित कर दी गई थी। नंबर तीन, अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन करता था, फिर वो चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, बलात्कार माना जाता था। तो यहाँ पे इसकी देखो चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले जो, देखो सच बात कहूँ तो शायद आप सबको बुरा भी लग सकता है, सच तो ये है कि जो हमारे पूर्वज थे ना, वो पता नहीं कौन सी सोच के थे, बच्चियों की शादी कर देते थे, जिनकी उम्र 10-12 साल होती थी उनकी ही शादी कर देते थे। आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो उसकी भी शादी इसी उम्र में हुई होगी, लगभग 10-12 साल में। तो उस समय 10-12 साल की जो बच्चियां होती थी उन्हें क्या पता होता था, कुछ भी पता नहीं होता था। तो इसीलिए ये कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और भारतीय लोग इसी चीज का विरोध करते थे, लेकिन अगर वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये कानून सही था। और उस समय भारतीय लोग क्या करते थे, बच्चियों की शादी कर देते थे, तो उनकी जो यौन उम्र है ना वो सही से डेवलप नहीं हो पाती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफें होती थी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने ये कानून लाया और भारतीयों पे ये लागू किया गया था। तो यहाँ पर उम्र कितनी निश्चित कर दी गई थी, 12 वर्ष, और 12 वर्ष से जो अधिक उम्र की हैं वो ठीक है आप शादी कर सकते हो, और 12 वर्ष से जो कम उम्र की थी लड़कियाँ उनकी आप शादी नहीं कर सकते थे, उनके साथ आप मतलब संभोग या फिर यौन कार्य नहीं कर सकते थे,
जो भी हो, ठीक है, आप समझदार हो, समझ गए होंगे, तो वो बलात्कार माना जाता था। तो यहाँ पर इसी एक्ट में यही कहा गया है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा निर्धारित की गई थी। तो देखो, भारत और उस समय भारत ही था और अफगानिस्तान के मध्य में ये कौन थी, ये ड्यूरेंट रेखा। तो ड्यूरेंट रेखा क्या है, चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ड्यूरेंट रेखा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली एक रेखा है जिसे ड्यूरेंट रेखा के नाम से जाना जाता है। ड्यूरेंट रेखा 1893 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी मार्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहीम खान के द्वारा निर्धारित की गई थी। इस रेखा का नाम मार्टिमर ड्यूरेंट के नाम पर ही ड्यूरेंट रेखा रखा गया था। तो यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान दें कि यहाँ पर ड्यूरेंट रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, अब भारत के मध्य स्थित नहीं है, लेकिन उस समय थी। तो इसीलिए अक्सर हम सब ने क्या है किताबों में पढ़ा है, तो यही लिखा होगा कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य नहीं है, अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। अब यहां से पढ़ते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के इतिहास के बारे में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण थे और इनके भी कार्यकाल में ज्यादा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने स्किप नहीं किया है इनको, नहीं तो कार्यकाल थोड़ा बीच में गैप हो जाता है, फिर आप लोग कहते हो अरे ये बीच में किसने किया ये, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 11 अक्टूबर 1894 से 6 जनवरी 1899 ईस्वी तक था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ही चापेकर बंधुओं के द्वारा ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल याद रखना है और यहाँ पर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ही किसने, चापेकर बंधुओं ने क्या कर दिया था कि ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर थे WC रेंड, उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, तो आगे के वीडियो का इंतजार करिए। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल 1895 ईस्वी से 1898 ईस्वी के मध्य पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण अकाल पड़ा जिसमें लाखों की संख्या में किसान मारे गए थे। तो यहाँ पर इसको भी याद रखें अच्छे से, हालांकि मैंने इसको यहाँ पे पीला नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने नहीं किया हुआ है कि क्योंकि अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक प्रसिद्ध कथन है, भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ये प्रश्न एग्जाम में आया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पीला पीला कर दिया है। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे इसे याद रखें क्योंकि ये मुझे लगभग दो एग्जाम में मिला था, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है लेकिन वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इसमें मैंने काफ़ी सारी चर्चा की है और इसमें जो मैंने चर्चा की है उन्हीं प्रश्नों की चर्चा की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और ये वीडियो केवल प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है क्योंकि कभी कभी इस वीडियो पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आने लगते हैं कि ये वीडियो में ये कमी है, आपने इसके बारे में नहीं बताया। देखिए, ये वीडियो केवल केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए बनाया गया है, ये वीडियो राजनीतिक वीडियो नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई सलाह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।